नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है पलवल जिले के रूंदी गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार तरुण कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किन किन समस्याओं को लेके जनता के बीच जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप जनता के बीच किन समस्याओं को लेके जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे? जनता के बीच हम अपने गांव की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे गांव में पानी के निकास की मेन प्रॉब्लम रही है। हमारे गांव में जो तालाब हैं वो ओवर होते जा रहे हैं और इनका पानी का निकास ठीक से नहीं हो रहा है और इवन प्लॉटों में घरों में पानी ऊपर तक चढ़ता जा रहा है और जिससे लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है। और कुछ सरकारी सुविधाएँ जो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएँगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कार्य कर विकास के कार्य कर रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं और खुली उसमें आराम से आज़ादी से रहती हैं। हमारा गांव वैसे साफ सुथरा है, किसी तरह की कोई छेड़खानी ऐसी बातें नहीं होती, पर फिर भी हम अब महिलाओं के लिए अपने गांव में मेन चौराहे पे CCTV कैमरा लगवाएंगे, जिससे सभी वाहिया तत्वों का मतलब निगरानी रखी जा सके, गांव में चोरी का जो डर है वो कम हो सके। वर्तमान सरपंच के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, समाज में हर किसी का काम करने का अलग अलग अपन अपना नज़रिया है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हम अपनी गांव की जनता को विश्वास दिलाते हैं, हम बेटर करके दिखाएंगे। उनसे विपक्ष का कहना है कि तरुण कुमार जी भेदभाव की राजनीति करते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, विपक्ष तो कुछ भी कहे, विपक्ष के ऊपर हम नहीं चल सकते। हमें जो काम करना है जनता की सेवा करने के लिए, जो भी हमें कदम उठाने हैं वो काम करेंगे, और अगर विपक्ष की बातों पे जाएंगे तो हम जनता का भला नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो भी समाज की सेवा करनी है तो हमेशा अपने एक साथ एकजुट होकर सबका सहयोग लेकर और उनका सेवाएं करेंगे। तरुण कुमार जी एक बेहतर उम्मीदवार क्यों हैं? देखो, वो तो जनता के लोगों के पास सभी के पास ये चीज़ का सवाल जवाब है कि तरुण क्यों है बेहतर, वो उनसे पूछिए कि हम जब भी कोई सेवा है उनके पास कोई परेशानी होती है तो मैं उनके पास तुरंत पहुंच जाता हूं और उनकी सेवा समाधान का निवारण करता हूं उनका, और कोई भी परेशानी होती है तो टाइम टू टाइम उनकी समाधान करने का प्रयास करता हूं। जनता व क्षेत्रवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे गांववासी सभी एक इस बार सही कैंडिडेट चुने, ताकि जो उनके भविष्य में उनकी सेवाएं प्रदान करें, जो सरकार से उन्हें सेवा मिल रही है वो प्रदान करें, और बिना किसी भेदभाव के सभी को जो जिस सेवा लायक है उसको वो सेवा प्रदान की जाए, और ताकि वो उन्हें हर चीज़ का लाभ प्राप्त हो। आज हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किन्हें वोट देंगे और क्यों देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है जी। कौन से वार्ड से हैं? गांव रूंदी से हैं। अच्छा, किसको वोट दोगे? हम तो अपने अपने समाज के वोट देंगे, क्योंकि हमने उसी दिन से अपर कास्ट को देते आ रहे हैं और जो बंदा हमारे यहाँ लायक समझे उसी को वोट देंगे। तरुण कुमार है। जी, क्या नाम है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित। कौन से गांव से है? मैं गांव रूंदी से। किसे वोट देंगे? मैं तो जी भाई तरुण के साथ हूँ और सभी ग्रामवासियों से अपील करूँगा कि भाई तरुण को ही वोट दें और गांव का विकास में सहयोग दें अपना। जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश भाई, रूंदी गांव से। किसे वोट दोगे और क्यों? नहीं, अगर उज्ज्वल कार्य करेंगे हमारे भाई साहब तरुण जी, उनको वोट देंगे। युवाओं के लिए क्या काम कराओगे अगर जीतते हैं तो? नहीं, अगर युवाओं के लिए कार्य अभी तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगर जीतते हैं तो भावी उम्मीदवार है हमारे तरुण कुमार जी, अगर जीतेंगे तो युवाओं के लिए कार्य करेंगे। आप क्या करवाओगे युवाओं? आप खुद एक युवा? नहीं, हम अब
अपने बच्चों जैसे जो है युवा उनको साथ लेके आगे बढ़ाएं। तो आप मानते आप युवा नहीं हो? नहीं नहीं सबको लेके। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम पंडित है। कौन से गांव से? गांव रूंदी से। किसे वोट दोगे और क्यों? देखिए जी मैं जाति से ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं क्वालिटी और जो बुजुर्गों के लिए जो तरुण भाई करते हैं जैसे बुजुर्ग 80 साल का है को 75 साल का है आ नहीं सकता पेंशन के लिए इधर जा नहीं सकता बैंक नहीं जा सकता खाट में सूट नहीं सकता ये भाई अपना घर जाता अंगूठा लगवाता उसके पैसे ला के देता है ये कुछ समस्या है मुझे ये बैठना है मैं निसंकोच इन्हीं को वोट करूँगा। मेरा नाम मोती राम है गाँव बूदी है। किसे वोट देंगे? मैं अपने इस बच्चे को वोट दूंगा अपना बच्चा बहुत अच्छा सच्चा बच्चा इसलिए। तो इन्हीं को क्यों दोगे और भी उम्मीदवार होंगे ना गांव में? अपने अपने हुए बहुत जो सच्चा समझदार बच्चा गरीबों से है तो बहुत बढ़िया इसको वोट। कोई एक कमी बताओ इनकी। इनकी कोई कमी नहीं। यही कमी कोई कमी नहीं हमारे साथ कोई कमी नहीं। क्या नाम है? विष्णु दास। कौन सा गांव से? किसे वोट दोगे? भाई तरुण कुमार को। क्यों वोट दोगे? अच्छा लड़का है बहुत समझदार लड़का है इंटेलिजेंट लड़का है गांव के भले के लिए सोचता है। जी नाम है राजपाल। किसे वोट दोगे और क्यों? तरुण कुमार को देंगे काम ठीक कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है? अब घर घर जाकर पेंशन लगा चुका है और कोई वैसी समस्या हो अभी करे। हमारा भाई है तरुण कुमार उसको देंगे। आपका भाई है तो नहीं नहीं वो मतलब गांव का है। अच्छा। ना बंदा है अच्छा है शिक्षित है सक्षम है और समाज सेवी है इसलिए आप जानते हो हमारे जो मताधिकार है हम उसका प्रयोग ऐसा करना चाहिए ना जो हमारे भले के लिए गांव के विकास के लिए कर रहा है गाँव आए वो काम करना चाहिए इसलिए अपने भाई को देंगे। जी मेरा नाम सुखराम। किसे वोट देंगे आप? तरुण कुमार को देंगे क्योंकि ये घर घर में वृद्ध आदमियों की पेंसिल बांटता है और एक बार स्कूल में शिक्षा के टीचर नहीं थे तो वहाँ उन्होंने वीडियो साल से और उनसे टीचर मंगवाए और तुरंत ही कार्रवाई करवाई स्कूल में लेकिन जो समस्या होती है गांव की वो तुरंत ही करा देते हैं जितना भी प्रयास हो सकता है वो कराते ही है। अपने भाई को देंगे भाई है तो किसे वोट देंगे? नहीं नहीं समाज सेवा के लिए। क्या नाम है? कौन से गांव से? किसे वोट दोगे? बिरादरी की वजह से देंगे या समाज सेवी की वजह से देंगे? अपने जी ठीक लास्ट में अपील कर रहा हूँ क्षेत्रवासियों से यही अपील है मेरी कि सभी इस बार अपना वोट सही समझकर और सही इस्तेमाल करके और मतलब सही कैंडिडेट अपने हित का बनाए जो आपके हित में काम कर सके और आपकी समस्या को समाधान कर सके बस मैं यही अपील करूँ। आप सभी ने विस्तार से सुना कि तरुण कुमार जी ने बताया कि ये किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि किसी भी ग्राम पंचायत वार्ड नगर परिषद कहीं से कोई भी समस्या हो तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें आपकी बात का सर्वप्रथम रखा जाएगा एवं उचित अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद।